गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पोटेंशियल के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट ए पॉइंट ऑन एक्सी लाइन ऑफ ए डायपोल, डायपोल की एक्सी लाइन के ऊपर कि कितना पोटेंशियल हो सकता है किसी डायपोल की एक्सी लाइन के ऊपर। और पोटेंशियल के बारे में हमने बताया था कि अगर मान लिया कोई पॉजिटिव चार्ज है आपका, अगर उस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट जरूर करेगा वो, तो उसके कारण उसको रिपेल कर देगा, अपने फील्ड से बाहर निकाल देगा। उसको उस फील्ड के अंदर लेके आने के लिए किसी भी पॉइंट पे जो वर्क करवाना पड़ रहा है हमारा, वही वर्क हमारा पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है पोटेंशियल कहलाएगा, और टेस्ट चार्ज अगर इंटर कर रहा है तो फिर वो आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो अब हम बात करते हैं किसी एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल के ऊपर। तो लेट अस कंसीडर ए डायपोल, ए बी को डायपोल है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है, डायपोल तो डायपोल होता है, बार बार स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, जिसके दोनों पॉजिट फेसों पे अपोजिट चार्ज है दोनों फेसों के ऊपर, और 2a या 2l जो भी आप मानना चाहो या 2x या 2r है, वो इज द सेंटर ऑफ डायपोल। a डिस्टेंस ये हो जाएगी, a ये हो जाएगी, क्योंकि डायपोल में डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हैं। लेट अस कंसीडर पॉइंट p एट सम डिस्टेंस, p पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कुछ डिस्टेंस के ऊपर, और वो डिस्टेंस कितनी मेजर कर लिया, r मान लो, x मान लो, आप जो भी मानना चाहो वो हमने मेजर कर लिया। इस P पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकालना है, इस B के कारण कितना है यानी पॉजिटिव क्यू के कारण कितना है और इस नेगेटिव क्यू के कारण कितना है। इसी केस में थोड़ा सा अगर आप पीछे चलो, हमने इसी तरह का केस किया था किस में के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो वहाँ पर हमने E1 और E2 की डायरेक्शन दिखाई थी, क्योंकि जो E1 था उसको हमने मान लिया था कि पॉजिटिव कारण है, पॉजिटिव में फील्ड आउटवर्ड होगा तो फोर्स ये आउटवर्ड लगेगी तो डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी, नेगेटिव अपोजिट मतलब फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन ये थी है, वो भी एक्सी लाइन का केस था, ये भी एक्सी लाइन का केस है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हमने केस किया तो उसमें हमने वेक्टर्स का जो इंपॉर्टेंट रोल था वो हमने देखा था कि डायरेक्शन किसके अलोंग में है, किस तरह से है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का रोल होता ही नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इनका। तो इसका मतलब यहाँ पर हम वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं V1 और V2 जो वहाँ पर हमने E1 और E2 में रिप्रेजेंट की थी। यहाँ पर तो हमने वैल्यूज निकालनी है, एक बार ड्यू टू पॉजिटिव के कारण कितना पोटेंशियल होगा, एक बार नेगेटिव के कारण कितना पोटेंशियल होगा। तो V1 निकालना है, V1 यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P, पहले तो अपने डायपोल के बारे में लिखना है। पहले लेट अस कंसीडर पॉइंट P एट डिस्टेंस R, वेयर पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड या डिटरमाइंड, पोटेंशियल जहाँ पर आपने कैलकुलेट या डिटरमाइन करना है। तो V1 एट P निकालना है ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज बोलो या फिर बोलो एट पॉइंट P, B पॉइंट के कंड्यू टू पॉइंट P, इसके कारण हमने निकालना है। V जो पोटेंशियल है आपका, पोटेंशियल हमने पॉइंट चार्ज के कारण निकाला था प्रीवियस वीडियोज के अंदर, K इंटू क्यू बाई R, ये रिलेशन आया था पॉइंट चार्ज के कारण, तो इसी को हमने यहाँ पर फॉलो करना है। तो V1 इज इक्वल टू V1 बोल लो, चाहे आप कई बार पॉजिटिव नेगेटिव का निशान भी दिखा देते हैं यहाँ पर, तो V1 इज इक्वल टू K इंटू K कॉन्स्टेंट है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव के चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। इसलिए हमने इसका जो ग्राफ बनाया था थोड़ा सा अगर फिर पीछे मैं आपको लेके चलूँ, अगर ये पॉजिटिव था आपका, ये नेगेटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल आपका फाल होता जाएगा, इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा, और नेगेटिव में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल भी आपका बढ़ता जाएगा। ये हमने स्टडी किया था इसके ग्राफ में, तो वही बात अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि वी वन इज इक्वल टू के इंटू में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव क्यों ले लिया आपने, डिस्टेंस वहाँ पर आ रहा थी, अब यहाँ पर आपने देखने पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, बी के कारण निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस तो पी से बी तक की होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, आर ये एक्स्ट्रा है, तो ये डिस्टेंस पर आर माइनस के ए हो जाएगी, तो आर माइनस के ए इक्वेशन नंबर एक आ गई। अब एक बात का यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, क्या है कि फ्लो फ्लो में कई बार हम स्क्वेयर कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि फोर्स में निकाला था वहाँ पर भी स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो भी स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस में था, इन्वर्स स्क्वेयर ला, तो यहाँ पर हम स्क्वेयर नहीं आया था हमारा, तो कभी फलो फलों के अंदर आप यहाँ पर ही मिस्टेक कर दो। सिमिलरली आपने पी टू निकाल, वी टू निकालना है एट पॉइंट पी के ऊपर ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज या फिर बोलो ड्यू टू पॉइंट ए, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K कॉन्स्टेंट है, आपके बार नेगेटिव चार्ज के कारण निकाल रहे हो बाय डिस्टेंस A के कारण निकाल रहे हो, तो R तो डिस्टेंस यहाँ तक की थी, इसको ऐड कर लो तो फिर R प्लस के A हो जाएगी, जो टोटल डिस्टेंस थी वो आपकी R प्लस के A हो जाएगी। P पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो P तक की हमने डिस्टेंस मेजर करनी होगी, इक्वेशन नंबर टू क्लियर। तो जो नेट पोटेंशियल था आपका, नेट पोटेंशियल कितना होगा, वो V1 प्लस के V2 के बराबर होगा, V1 प्लस के V2 क्लियर, V1 प्लस के V2 दोनों की वैल्यू आपने निकाल रखी है, दोनों को आप ऐड कर दो या टोटल पोटेंशियल को आप बोल सकते हो। तो K को तो आपने बाहर ले लिया, K तो आपका बाहर
क्यों भी दोनों में कॉमन है, क्यों को भी आपने बाहर ले लिया तो कितना हो गया 1/r-ke प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, -1/r+ke, ये आगे बिल्कुल इसको अब आप सोल्व कर लो। तो v इज इक्वल टू यानी k इंटू में क्यों की जो हम बात कर रहे हैं, k इंटू क्यों आपका बाहर है, एलसीएम ले लो इसका, r²-a² इसका एलसीएम हो जाएगा, तो r+ke -ke r-ke इक्वेशन नंबर ये आ गया आपके, k इंटू क्यू, इसको देखो आप प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो ये फिर तो 2a आएगा अंदर, तो और 2a और r²-ke² के की तो वैल्यू पुट करो 1/4πε0 क्यू इंटू में 2a बाई r²-ke² लेकिन क्यू इंटू में 2a हम बार बार पढ़ते हैं, डायपोल मोमेंट p के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो आइदर चार्ज की जो प्रोडक्ट है और जो डिस्टेंस है, तो क्यू इंटू में 2a बराबर है यानी प्रोडक्ट है आइदर चार्ज की और उनके बीच की डिस्टेंस की, वो होता है डायपोल मोमेंट p के बराबर, तो ये बन जाएगा आपका p की, तो 1/4πε0 पी बाई r²-ke² तो इतना पोटेंशियल निकल जाएगा आपका ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, एक्सियल यानी एलोंग में, एक्सिस के एलोंग में डायपोल की जो एक्सिस है, वही जो डायपोल केस में हम आमतौर पर स्पेशल केस लगाते हैं आप लगा सकते हो, इफ डायपोल बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, अगर डायपोल आपका वेरी वेरी स्मॉल होगा यानी ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, जब ये डायपोल बहुत छोटा हो जाएगा और यह कहने बात ये पी पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो फिर ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, तो ए को फिर आप जीरो पुट कर लो, ए को आप जीरो पुट करोगे तो फिर कितना बचेगा, तो वी इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r², तो ये निकल जाएगा आपका पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ ए डायपोल, डायपोल इस लाइन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का केस इसके साथ जरूर करके देखना, उसके बाद ये करना फर्क इतना कि वो वहाँ पर वेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल्स था, तो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हमने ऐड कर ली थी, यह स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमने V1 और V2 को रिप्रेजेंट करने की तो नहीं पड़ी कि क्या V1 होगा और क्या V2 होगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट हमने इसकी वैल्यू निकाल दी पी पॉइंट पे, एक बार इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल है, इस नेगेटिव के कारण कितना पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल आपका कितना हुआ या नेट पोटेंशियल कितना है, तो V1 प्लस के V2 के बराबर, और यहाँ पर हमने देख लिया कि ये आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, एलसीएम लेके इसको आपने सोल्व कर लिया, तो ये निकल जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका केस करेंगे इक्वेटोरियल लाइन का।